हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज होता है, मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं और कैसे किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस के वन मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, यानी कितने पार्टिकल्स का ग्रुप होता है, उसको हम लोग वन मोल कहते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वन मोल इक्वल टू 6.022 × 10³ पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हों या फिर वो मॉलिक्यूल्स हों या फिर वो आयन्स हों। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस गैसियस है जिसका हम लोग वॉल्यूम मेजर करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हम लोग वन मोल सब्सटेंस में कितना वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था कि वन मोल गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मूल परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, या कोई भी जो है वो एंटिटीज हो, कोई भी स्पीशीज हो, तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे प्राप्त करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक और चीज आएगी सामने, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, इसे कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखो, परसेंटेज कंपोजिशन होता है कि अमाउंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट बाय मास ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 100 पार्ट मास में कोई भी एलिमेंट कितना प्रेजेंट है वही उसका परसेंटेज कहलाता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें कि सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का एक मोल है, ये एक मोल सोडियम कार्बोनेट है। अगर इसको हम लोग 100 ग्राम मान लें कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो 100 ग्राम है, तो सोडियम कितना है इसमें, कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो जितना भी सोडियम होगा 100 ग्राम में, वो सोडियम का परसेंटेज होगा कि 100 ग्राम में सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कितने परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन इतना परसेंट है। तो इस तरह से हम लोग सोडियम कार्बोनेट में, जो कि तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, सोडियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से, तो तीनों के अलग अलग परसेंटेज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, जैसे सोडियम का करना है या कार्बन का करना है या फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो ऐसे में हम परसेंटेज मास किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, यानी इस सब्सटेंस के फॉर्मूला मास को इसमें रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। इसके द्वारा हम किसी भी एलिमेंट का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लें कि हमारे पास यही सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, अब इसका फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, 2 × Na + C + 3 × कितना, 4। तो Na का कितना होता है एटॉमिक मास, 23,
प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस 3 इनटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये हो गया आपका 46 प्लस 12 प्लस 18, अब 8 टू 10 और 6 कितना हुआ 16, 415, 516, 76, तो 76 जो है वो इसका फॉर्मूला मास है या ग्राम फॉर्मूला मास कहते हैं, 76 है टोटल। चलिए अब इस 76 ग्राम में सोडियम कितना उपस्थित है, अगर हम लोग सोडियम को देखें तो अमाउंट ऑफ सोडियम इन 76 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कितना सोडियम है 2 into Na यानी 2 into कितना 23 equal to कितना हो गया 46, सोडियम इसके अंदर कितना उपस्थित है 46 ग्राम। आइए अब अगर हम लोग को निकालना है परसेंटेज ऑफ सोडियम तो कितना हो जाएगा, कितना सोडियम है 46 into कितना 100 अपॉन कितना 76, इसको सॉल्व कर देंगे जो रिजल्ट आता है वो सोडियम का परसेंटेज होगा कि इतने परसेंट सोडियम उपस्थित है। तो ये तो हो गया परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट। अब अगर हमें परसेंटेज मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए टोटल मास ऑफ स्पीशीज इन फॉर्मूला यूनिट इनटू 100 अपॉन फॉर्मूला मास। तो मास अगर परसेंटेज मास परसेंट मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल मास ऑफ स्पीशीज इन फॉर्मूला यूनिट इनटू 100 अपॉन फॉर्मूला मास। तो आइए इन दोनों फॉर्मूलों को लेकर के हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। क्या है न्यूमेरिकल कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ Fe एंड FeO, Fe एंड FeO इन Fe3O4। हमें मास परसेंट निकालना है किसका, Fe का और FeO का। ये क्या चीज है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज है जबकि ये क्या है, ये एक एलिमेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला मास ऑफ Fe3O4। निकाल लेते हैं कैसे, 3 इंटू Fe प्लस 4 इंटू कितना ऑक्सीजन, तो 3 इंटू 56 प्लस 4 इंटू कितना 16, कितना हो जाएगा ये 6 3 18 का 8, 5 3 15 168 प्लस 16 4 64, दोनों को ऐड कर लेते हैं 8 और 4 कितना हो गया 12, 617 और 613 का 3 और 11 कितना हो गया 232। तो ये हमको मिल गया क्या, फॉर्मूला मास। अब क्या निकाले, अब दूसरी चीज कि इस FeO का फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला मास ऑफ FeO निकाल लेते हैं, तो Fe का हो जाएगा कितना 56 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, 6 12 का 2 कैरी 1, 516 और 17 72। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या, परसेंटेज मास ऑफ Fe, परसेंटेज मास ऑफ Fe दैट इज इक्वल टू कितना, ध्यान दें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, कितने एटम्स हैं एलिमेंट के 3, कितने हैं 3 हैं, तो 3 इंटू Fe कितना होता है 56, इसका एटॉमिक मास हो गया, इंटू कितना 100 अपॉन फॉर्मूला मास, हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया 232, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा कितना 168 इंटू 100 अपॉन कितना हो गया
232, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 232 से डिवाइड करते हैं, कितना मिल जाएगा 72.4%। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज मास ऑफ Fe, परसेंटेज मास ऑफ Fe कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज। तो परसेंटेज मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल मास ऑफ स्पीशीज इन फॉर्मूला यूनिट तो कितना है 72, टोटल मास हमें करना क्या है परसेंटेज मास ऑफ FeO, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल मास ऑफ स्पीशीज इन फॉर्मूला यूनिट तो हमने निकाल कर रखा इसको कितना है 72 इनटू कितना हो गया 100 अपॉन फॉर्मूला मास कितना निकाला 232। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने से पता चलता है कितना कि ये 31% है, 31%। तो ये चीज क्लियर हो गया, क्या चीज कि एक मोल Fe3O4 में आयरन को है जो Fe है वो 72.4% है, जबकि FeO जो है Fe3O4 में 31% है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग किसी भी सबस्टेंस के अंदर उपस्थित एलिमेंट्स की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन। तो आइए एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसी के ऊपर कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज किसी भी सबस्टेंस के अंदर उपस्थित जो एलिमेंट्स है या जो एटम्स हैं उनका परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज होगी उसके परसेंटेज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला याद रखिए, यही फॉर्मूला यूज होना है और इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है अगला क्वेश्चन की कैलकुलेट द परसेंट ऑफ हाइड्रेशन, परसेंट ऑफ हाइड्रेशन, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ हाइड्रेशन एंड टोटल ऑक्सीजन एंड परसेंट ऑफ हाइड्रेशन टोटल ऑक्सीजन एंड कॉपर इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में हमें हाइड्रेशन कैलकुलेट करना है, टोटल ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और कॉपर की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम जो है वो ये कि हम इसका फॉर्मूला लिखें। तो CuSO4 × 5H2O, ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, क्या निकालें इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला मास कैसे हो जाएगा, Cu+S+4 × O+5 × कितना हो जाएगा 2 × H+O। सबकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं, सबके एटॉमिक मास की वैल्यू रख देते हैं। तो कॉपर कितने का एटॉमिक मास कितना होता है, कॉपर होता है 63.5 प्लस सल्फर होता है 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन कितना 16 प्लस 5 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1 और ऑक्सीजन 16, तो कितना हो गया ये 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5 इंटू 18। अभी ये कितना हो गया, जोड़ देते हैं इसको, 4 और 2 कितना हुआ 6 और 3 कितना हुआ 9, पॉइंट कितना 5, 4 टू 6 और 3 9, 6 3 9, 9 और 6 कितना हो गया 15 प्लस 18, 5 का कितना हुआ 90। तो अब इसको जोड़ लें, ये हो जाएगा कितना 0.5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 और 5 कितना 14 का 4
और 112 249.5 यूनिट जो है वो इसका फॉर्मूला मास हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है हाइड्रेशन का परसेंटेज। तो परसेंट ऑफ हाइड्रेशन, परसेंट ऑफ हाइड्रेशन, ध्यान दें यहां पे हाइड्रेशन के कितने मॉलिक्यूल्स उपस्थित है, तो 5 मॉलिक्यूल हाइड्रेशन के उपस्थित है इनटू 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 इनटू कितना 100 अपॉन फॉर्मूला मास हमने कितना कैलकुलेट किया 249.5 यूनिट। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 90 इनटू 100 अपॉन 249.5। अब इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 36.07%। यानी जो इसके अंदर हाइड्रेशन है वाटर का वो है 36.07%। अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करें, परसेंटेज ऑफ टोटल ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ टोटल ऑक्सीजन। अगर टोटल ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो जरा देखें इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 4 यहां पे है और 5 यहां पे है, तो 4 और 5 कितना हो गया 9। तो 9 इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16 इनटू कितना 100 अपॉन कितना 249.5। तो अभी ये कितने के बराबर हो जाएगा, अपॉन कितना हो गया 249.5। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके और 249.5 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 57.71% हमको ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन जो इस फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन है उस टोटल ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। तो अभी हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ कॉपर, कॉपर की परसेंटेज कितनी है। तो कॉपर कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, केवल एक एटम, यानी 63.5 इनटू कितना 100 अपॉन 249.5। ये इक्वल टू सॉल्व करते हैं अगर तो कितना मिल जाता है 25.45%। तो इस तरह से हम सभी एलिमेंट जो कि उपस्थित है इस कंपाउंड के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर, उनका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के द्वारा, जो अभी हमने पहले फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के द्वारा, किसी भी एलिमेंट के अंदर उपस्थित, किसी भी सब्सटेंस के अंदर उपस्थित एलिमेंट्स के परसेंटेज कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं, क्या चीज है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज होता है। तो देखो, द फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स the formula which gives the actual number of atoms of various elements present in the molecules of the compound
molecules of the compound is called molecular formula. Molecular formula. Molecular formula किसे कहते हैं? वह formula किसी भी substance का वह formula जो हमें ये बताता है कि उस substance के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं और कितने हैं. तो जो फॉर्मूला किसी भी सबस्टेंस का हमें ये बताता है कि उस सबस्टेंस के अंदर जो वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो वेरियस एलिमेंट्स के अंदर कितने एटम्स जो हैं वो लगे हुए हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिकुलर फॉर्मूला. आइए मॉलिकुलर फॉर्मूला को जानने के लिए एक और चीज जाननी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या चीज है? इसे कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. हम लोग ये भी देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना होता है और जब तक एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तब तक हम लोग एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिख सकते. तो सवाल ये है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर उपस्थित जो एटम्स हैं उन सभी एटम्स का आपस में क्या रेशियो है और उसी रेशियो को हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं. तो सभी एलिमेंट या सभी एटम्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर जिस होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं उसी को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या चीज है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करें एम्पिरिकल फॉर्मूला को, कि द फॉर्मूला विच गिव्स The formula which gives the simplest whole number, the simplest whole number ratio of atoms of the various atoms present, various atoms present in a compound is called empirical formula. इसी को हम क्या कहेंगे? Empirical formula. ऐसा फॉर्मूला जो हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जो वेरियस एटम्स हैं वो किस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हैं, यानी उनके सभी एटम्स के बीच में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को प्रेजेंट करते हुए फॉर्मूला होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला. ध्यान रहे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो होता है वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास ऑफ द ऑल एटम्स के सम के बराबर. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉस, एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉस दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मॉस ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ एटॉमिक मॉस ऑफ ऑल एटम्स इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला. In the empirical formula. Empirical formula क्या है? Sum of atomic mass of all atoms in the empirical formula. That is known as empirical formula mass. तो जब कभी भी empirical formula mass को calculate करने की बात आएगी, जैसे अगर हम लोग देखें example के तौर पे, example ले लें, तो benzene की बात करें, benzene किन चीजों से मिलकर के बना है? Carbon और hydrogen. Carbon और hydrogen में क्या ratio है? 1:1. कार्बन और हाइड्रोजन में कितना रेशियो है? 1:1 का रेशियो है. तो ये CH जो है वो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है. ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है. अभी हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू कितना होता है? n into empirical formula,
एम्पेरिकल फॉर्मूला, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब सवाल ये है कि ये एन क्या है, एन किसे कहते हैं और कैसे यन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यन की वैल्यू क्या होती है, तो यन इक्वल टू होता है मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिकुलर मास बेंजीन का कितना है ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 78 यूनिट, और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा, यहाँ पे देखो कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1, टोटल कितना हो गया 13। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है 13, 13 और 78, यानी n इक्वल टू यहाँ पे कितना है 6। तो अब मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 6 इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, तो यही हो जाता आपका C6H6 जो कि बेंजीन का मॉलिकुलर फॉर्मूला है। तो इस तरह से सबसे पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करने से पहले हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके हम लोग जो एक वर्ड है यन, इस यन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैसे, जिस मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं उसका मॉलिकुलर मास अपॉन उसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया, उस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, इन दोनों की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आती है वो यन की वैल्यू है, और फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर अगर मान लें कि हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन लेकर के करने जा रहे हैं जिसमें कंपाउंड्स के अंदर उपस्थित एलिमेंट्स जो है वो परसेंटेज में दिए हुए हैं, उनका परसेंट दिया हुआ है कि इतने इतने परसेंट से ये कंपाउंड बना हुआ है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करिए। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसको आप लोग तब तक नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं। आइए, अगर परसेंटेज दिया हुआ हो तो परसेंटेज के आधार पर हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस चीज को हम लोग एक न्यूमेरिकल्स की मदद से समझेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उस न्यूमेरिकल्स के द्वारा हम लोग इस समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करें। तो मान लेते हैं कि एक सबस्टेंस है, एक सबस्टेंस A substance on analysis gives the following data. क्या data देता है, एक substance है जिसका analysis किया गया तो हमें कुछ data मिलता है। क्या मिलता है, हमें मिलता है कि sodium जो है इस substance के अंदर sodium जो है वो 43.4% है। सोडियम मिला कितना, 43.4%। इसके साथ साथ इसमें कार्बन मिला, कार्बन कितना मिला, 11.3% कार्बन मिल गया। इसके साथ साथ हमें मिलता है क्या, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 45.3%। ये एनालिसिस के द्वारा डाटा मिला हमको। सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। अभी हम इस टेबल में डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम जो होता है वहां लिखते हैं एलिमेंट, ये एलिमेंट लिख देते हैं यहां पे, इस तरह से एलिमेंट्स हमने लिख लिया। एलिमेंट्स के बाद यहां लिख लेते हैं कि कितना परसेंट एलिमेंट का है, यानी परसेंटेज हमने लिख लिया।
परसेंटेज लिखने के बाद हर एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख लेते हैं। ये एटॉमिक मास हमने लिख लिया। अभी एटॉमिक मास लिखने के बाद क्या लिख लेते हैं कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो यहां पे हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स बना लेते हैं। इसके साथ साथ सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो निकाल लेंगे। सिंपल रेशियो किसमें निकालेंगे, मोल्स में। सिंपल रेशियो निकालने के बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इतनी चीजें। तो डाटा से हमें क्या मिला कि सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट मिले। ये तीन एलिमेंट मिले हमको इस एनालिसिस के दौरान, कि जिस कंपाउंड का एनालिसिस किया जा रहा है उसमें तीन एलिमेंट्स हैं, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम कितना है 43.4%, कार्बन कितना है 11.3%, जबकि ऑक्सीजन 45.3% है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, कार्बन का कितना 12 और ऑक्सीजन का कितना 16। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। कैसे निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, तो देखो 43.4 अपॉन कितना 23। कैसे रिलेटिव निकालते हैं, मान लेते हैं 100% है, तो 100% में सोडियम कितना है 43.4%, एटॉमिक मास कितना, तो मास आपको बस टेंस अपॉन कितना एटॉमिक मास, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर 23 से इसको डिवाइड करें तो कितना मिल जा रहा है 1.88 मिल गया हमको। अभी इसका भी निकालते हैं कार्बन का रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, तो 11.3 अपॉन कितना 12, ये हमको कितना मिल जाएगा 0.94। और ऑक्सीजन का भी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 45.3 अपॉन कितना 16, ये हमको मिल गया 2.83। चलिए भाई अब सिंपल रेशियो निकालते हैं, इनके जो मोल्स है इनमें सिंपल रेशियो निकालेंगे। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि जितने भी एटम्स हैं यहाँ पे उन सब में कौन सा सबसे छोटा है, जो सबसे कम वाला होगा उसी से अन्य सभी को हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखो सबसे कम वाला यही है 0.94, तो 0.94 से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.88 अपॉन 0.94, 0.94 अपॉन 0.94, 2.83 अपॉन 0.94। सॉल्व करते हैं, ये मिल गया 2, ये मिला 1 और ये मिल गया कितना 3। अप्रोक्सीमेटली भी 3 ले लेते हैं, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो मिला वो 2 सोडियम के लिए, कार्बन के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए कितना मिल गया 3। तो इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा NaCO, ध्यान देना NaCO। अब Na के कितने एटम्स हैं 2, कार्बन के कितने हैं 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं 3, तो यहां लिख लेंगे 3, ये मिल गया हमको Na2CO3। तो इस तरह से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, और भी इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट में लिख करके भेजें और उस प्रॉब्लम को आपका सॉल्व करवा दिया जाएगा। बाकी जितनी भी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी है इनका आप लोग नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसके प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं और केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशंस के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं और कैसे सॉल्यूशंस के अंदर रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग इतनी सारी चीजों को तैयार करिए।
तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए।